एक्सरसाइज देख लो। ये ऐसे होता है जैसे अपना मतलब जो मैंने सुबह सुबह मेल किया वो डिलीवर्ड हो गया है, फिर जैसे टेस्ट हो जाएगा इसको वापस लॉक कर दो, इसको लॉक करके वापस इसको इसकी जगह पे रख लो। सुबह मेरा ये पूरा का पूरा देखो हो गया है, पूरा टेस्ट हो चुका है इसका, बस इसका फ़ोटो खींच के अब बस ये हो गया इसको। और ये रह गए फायर फाइटिंग वाले भाई, इनको भी तो निकल चेक कर लेते हैं। पाँच बार रहेगी और स्टेशन रिक्वेस्ट टू चेक रेडियो एंड जमीनी सेम बात एवरीथिंग, मतलब जिसने भी पायरेसी रिस्क इन सिंगापुर स्ट्रेट ड्यूरेशन स्ट्रेट वी वी आर एन एंड ठीक है। एमओबी के साथ रहता है अटैच, जो भी हमेशा जब भी एमओबी के साथ लाइव पर रहता है उसका वेट रहता है 4.3 kg, इसमें लिखा भी होगा देखो ये लिखा है 4.3। ये वाला तो फिर भी थोड़ा सही लग रहा है अभी, सही see the things I see, I'll tell you things you won't believe. Hello everyone, good morning and welcome back to another video. So I was सुबह के बज रहे हैं 6:45, मतलब 5:45 और ड्यूटी टाइम हो गया, रेडी हो गए हैं, बस अब निकलते हैं, बस जाते हैं नीचे मेस रूम में पानी लेकर आते हैं अपना गर्म पानी और फिर निकलते हैं सीधा ब्रिज में। अब दिखाते हैं आपको अपना पूरा डेली रूटीन और आज तारीख है भाई 28 सितंबर। चलो इसके बारे में बात चलते हैं सीधा मेस रूम में। एक और फ्लोर नीचे पानी ही गर्म नहीं हुआ था, जनरेटर भी चेंज हो गया, पानी गर्म नहीं है भाई। और वो देखो टाइम हो गया है 5 मिनट लेट हो गया, तो कोई ना बाद में आते हैं, बाद में पी लेंगे, चलते सीधा ड्यूटी पे। आ गया मैं ड्यूटी पे, देखो 5 मिनट रह रहे हैं मैं आ गया। मतलब अब सबसे पहला काम रहता है भाई मेरा सुबह सुबह जैसे आते सबसे पहले, तो मतलब जैसे मैं आता हूँ जो साहब का जो मेरे साथ ड्यूटी पर रहता है उसको नीचे भेज देता हूँ, उसकी 4 से 8 रहती है ना, तभी थोड़ा ब्रेकफास्ट वगैरह करना, फ्रेश वगैरह होना, तो इसलिए उसको भेज देता हूँ। और अब शिफ्ट तो चल ही रहा है सीधा अपना, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस अब मेरा सबसे पहला काम है सुबह 6 बजे रिपोर्टिंग करनी, मतलब डेली मॉर्निंग रिपोर्ट भेजनी पड़ती है कि नेक्स्ट ईटीए कितने बजे कितना क्या, तो बस अभी सेट सी से भेजेंगे। अरे उसने दिमाग ख़राब कर रखा है। और बस ये अपना पेपर वगैरह रेडी है, इसमें करते हैं पूरा कितना 24 आवर्स में कितना चले कितना क्या कंजप्शन एंड एवरीथिंग। तो चलो सबसे पहले लेट नहीं करते, इसमें कर देते हैं पहले। रिपोर्टिंग मेरा हो गई है, अब वेट करते हैं उसका मतलब सेंड होने का, कि जैसे सक्सेसफुल होती है सेंडिंग होती है तो दिखाता हूँ। जैसे कि ये देखो ये मैसेज इज एंडिंग की सेंडिंग इन क्यू, तो बस अब इसका जैसे ये ख़त्म होती है उसके बाद फिर अपना सबसे पहला काम यही है मेरा सुबह उठ के, क्योंकि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरे को रिपोर्टिंग करनी है सुबह, ये वो सब डेली रिपोर्टिंग ये मैं सब सुबह सुबह। चलो अब आपसे मिलते हैं थोड़ी देर से अभी। ये ऐसे होता है जैसे अपना मतलब जो मैंने सुबह सुबह मेल किया वो डिलीवर्ड हो गया है, सो बस अब इसको बैक करते हैं। और ये मतलब मेरा सुबह का मेल काम जो है कंप्लीट हो गया है, क्योंकि जब तक इसमें डिलीवरी रिपोर्ट सक्सेस नहीं आता तो तब तक जाता नहीं है। तो कई बार क्या हो जाता है कि कई बार कैंसिल हो जाता है, ओशियन प्रॉब्लम आती है, कुछ आ जाता है, कोई LSD ID में प्रॉब्लम आती है, इसलिए इसका वेट करना पड़ता है। जैसे हो गया और मेरी सबसे आज का सबसे पहला काम मेरा ख़त्म हो गया। चलो अब इसको बैक करते हैं, इसको वापस सेव कर देंगे। काम तो कंप्लीट हो गया और अब थोड़ी देर देखते हैं जब
अभी तो रहा अंधेरा है, तो अभी सुबह सुबह मेरे को आज बहुत सारा काम करने को है, तो बस जैसे थोड़ा उजाला होगा उसके बाद काम करेंगे आज, क्योंकि आज है 28 सितंबर। तो मैंने डेट इसलिए बताई क्योंकि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि मंथ एंड आते हैं, तो भाई आज मैं पूरा दिखाऊंगा कि मेरे को मंथ एंड आते कितने डॉक्यूमेंट करने पड़ते हैं, क्या क्या काम करना पड़ता है, ये जितने भी GMDC इक्विपमेंट है इन सब का टेस्ट करना है, साउंड हो गया, रेडियोज़ हो गए, जो जो भी इन सब के टेस्ट करने पड़ते हैं। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि भाई मंथ एंड आता 25 तारीख, जैसे 25 से लेकर 30 तारीख जो भी रहती है, तो उस पर मतलब रहता है कि हाँ भाई थोड़ी टेंशन आ जाती है, क्योंकि डॉक्यूमेंट बनाना ये कम थोड़ी है। तो मैं दिखाता हूँ आपको, ये जो आप सामने देख रहे ना लिस्ट लगी हुई, तो ये पूरे के पूरे बनाने पड़ते हैं। तो लकीली यहाँ पे मतलब ये शिप पे मैं हूँ, थोड़े आधे डॉक्यूमेंट कैप्टन बना लेते हैं, आधे मैं बनाता हूँ, क्योंकि बाकी ऑफिसर तो है नहीं यहाँ, ऑफिसर मैं ऑफिसर हूँ, बाकी इसमें अब मेरे को थर्ड ऑफिसर बोल लो, सेकंड बोल लो, चीफ बोल लो, तो इसलिए जो बहुत बंदे पूछते रहते हैं ना कि रैंक क्या है, तो जिस शिप पे मैं अभी काम कर रहा हूँ, तो इस शिप का क्या सेफ मीनिंग में सिर्फ एक ही ऑफिसर है, तो WKO वॉचकीपिंग ऑफिसर बोल दो तो बोल दो, चाहे चीफ ऑफिसर बोल दो, जो बोलना बस, बट ये है कि हाँ काम सारा ही करना पड़ता है। तो इसलिए चलो अब फिर थोड़ी देर से मिलते हैं, और ये अभी बाहर दिखाता हूँ आपको, देख लो भाई सुबह का अभी हो रही है, सनराइज़ होने वाला है थोड़ी देर से, अब वो रहे अपने चंदा मामा, क्या हाल है प्रभु, अब इनका सोने का टाइम हो गया है, इसलिए सूरज का आने का टाइम हो गया है। मौसम भी थोड़ा कुछ गड़बड़ी लग रहा है आज, काले काले बादल से है पूरे के पूरे, कोई ना। तो गाइस अब स्टार्ट कर रहा हूँ मैं अपना काम, क्योंकि थोड़ा करता हूँ पूरा दिन में, बहुत सारे डॉक्यूमेंट वगैरह तो बाद में बनाऊँगा, तो बट सबसे पहला काम है मेरा आज की, कि मैं सबसे पहला काम है अपना साठ का टेस्ट करना, क्योंकि हर मंथ करना पड़ता है कि कैसे क्या है। अब साठ होता है सर्च एंड रेस्क्यू ट्रांसपोंडर, तो देखो ये अपना एक साठ है रडार ट्रांसपोंडर, एक ये है और एक वो साइड में है, मतलब शिप पे मतलब ब्रिज पे दो होते हैं, एक पोर्ट साइड एक स्टार्बोर्ड साइड। अब साठ का काम क्या होता है वैसे तो जिनको नहीं पता, इसका मतलब ये होता है सर्च एंड रेस्क्यू ट्रांसपोंडर, मतलब इन केस कोई इमरजेंसी होगी, अबंडन हो गया या शिप छोड़ना पड़ जाए, तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग है कि आपको क्या क्या लेके जाना है, साठ सबसे कंपलसरी है। वैसे तो कईयों की इसमें रहता है फ्री फॉल बोट में रहता है, पर जिसमें नहीं रहता जैसे छोटे शिप्स होते हैं जिसमें नहीं होता है, तो उनको कुछ हो जब भी कोई इमरजेंसी हो या शिप अबंडन करना, सबसे मेन काम होता है कि जिसकी ड्यूटी रहती है तो उसको ये लेकर ही जाना है। तो इसको कैसे टेस्ट करते हैं, क्या है इसका यूज़, क्या है क्या 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 रहता है वो बताता हूँ। पहले आपको इसको सबसे पहले टेस्ट करने से पहले आपको चेक करना है अपने AIS में, या मतलब जिसमें भी एक्रिस हो या AIS हो, कि आपके सराउंडिंग में कोई वेसल तो नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप इसको टेस्ट के लिए भी एक्टिव करते हो कुछ भी है, तो मतलब उनके अगर आप नियर बाय में होंगे आपके, जैसे मान लो 12 नॉटिकल माइल के अंदर में कोई भी शिप होगा तो उसकी रडार में भी शो कर जाएगा। तो इसलिए अगर आपके रडार आपके आसपास कोई शिप होगा तो आप उसको इन्फॉर्म कर लो, या आप उसको मैसेज कर लो, या ऐसे मैसेज कर लो, या VHF में बात कर लो कि हाँ वी आर टेस्टिंग आवर साठ, नो एनी सीरियस इश्यूज एनीथिंग। सो इसलिए जैसे कि मेरे में भी कोई नहीं है, देख लो नो टारगेट शो कर रहा है, सो मैं कर सकता हूँ अभी। तो सबसे पहला क्या है कि अपना एक्स बैंड ऑन करना, अपना देखो ये हो गया है, और सबसे पहले मतलब इसको आप 12 नॉटिकल माइल्स पे करोगे, ये हो गया 12 नॉटिकल माइल्स पे। अभी देखो मतलब पीछे कोई नहीं है, वो एक फ़िशिंग वेसल है जो इसमें शो कर रहा है यहाँ पे, वो एक फ़िशिंग वेसल, तो इनके पास तो AIS रडार वगैरह कुछ रहता नहीं है, तो इसलिए इनका कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलो अब इस सबसे पहले साठ निकालते हैं, इसमें लिखा ना अप एंड, जैसे ये वाला निकाल दिया मैंने, सो इसमें देखो यहाँ पे लिखा है ऑन ऑफ एंड टेस्ट, बस जैसे ये लिखा है इसमें ऑन ऑफ एंड टेस्ट। सो गाइस इस पे देखो यहाँ पे टेस्ट लिखा है, आपको बस कुछ नहीं करना है, इसको प्रेस करना है इस तरह से, देखो आवाज़ आ रहा होगा, और यहाँ पे देखो जितना, और वहाँ पे देखो डॉट्स आ रहे हैं, तो मतलब अपने साठ का टेस्ट हो चुका है, और बस यही इतना ही रहता है इसका। फिर जैसे टेस्ट हो जाएगा इसको वापस लॉक कर दो, इसको लॉक करके
वापस इसको इसकी जगह पे रख लो। और ये कहाँ गया भाई भेजा। सो सेम वैसा ही है जैसे इसका था, सेम वही है, बस इसमें लिखा रहता है टेस्ट ऑन। गलती से ऑन मत कर लेना भाई, पता लगा कि ऑन करके बैठ गए, तो बस टेस्ट किया थोड़ी देर में, तो वापस इसको दोनों के दोनों चेक, और बस इस तरह से अपना सब मतलब शार्ट का टेस्ट हो गया है। और जैसे टाइमिंग होगी और इसको राइट डाउन कर लेंगे ध्यान, इसमें लिख रहा है कि 6:40 पे शार्ट टेस्ट किया है 28 तारीख को, बस वैसे ही ये रिसेस कर रखे है। शार्ट का टेस्ट मैंने कर दिया और अब बारी है नैपटेक्स की। तो हमारे पास ये वाला नैपटेक्स है, मतलब इसका इसका प्रिंटर नहीं है, बस वो है रिसीवर, रिसीवर है तो इसलिए प्रिंटर तो है, बट इसी पे टेस्ट वोस्ट करके अपना जो भी है वो कर लेंगे। तो इसी का मेन्यू में जाओ एकदम सही बैग, और ये देखो अलर्ट लिस्ट कॉमन मॉनिटर, तो अपना रिसीवर तो है, रिसीवर टेस्ट ये हो गया, ये कन्फर्म देख लो, टेस्टिंग स्टार्ट हो गई। जैसे टेस्ट हो जाए कंप्लीट, और फिर इसका फिर जैसे प्रिंटर तो है नहीं तो बस इसका फ़ोटो लेके रख लेंगे कि हाँ प्रूफ के लिए कि भाई हमने किया है। देख लो जैसे एक हो गया इसमें, इसको मेरा ये पूरा का पूरा देखो हो गया है, पूरा टेस्ट हो चुका है इसका, बस इसका फ़ोटो खींच के अब बस ये हो गया, इसको पैक कर लो, पैक कर लो, मेन्यू खत्म। सो बस नैपटेक्स का भी हो गया, शॉर्ट का भी हो गया, और ये तो चलो इसका तो होता ही है, GMDSS का रेडियो है इसको, हमारे पास दो रेडियो है, एक वहाँ पे एक है, बट वो नहीं है, वो GMDSS का नहीं है, नॉर्मल है, तो बस चेक कर लो कि हाँ भाई चल रहा है, क्योंकि आसपास तो कोई वैसा है नहीं, अगर वैसा हो तो हम फिर शिप से अपना वैसे नंबर वगैरह डाल के उससे वो करते हैं वो सभी। और फिर बचा अपना ये GMDSS की इमरजेंसी रेडियो, इनका भी लगे हाथों कर ही लेते हैं। और एक वो सुबह चेक किया था मैंने, उस पर मतलब उसकी बैटरी थोड़ी लो है, वो मेरी गलती, मैंने चेक नहीं किया देखो या, और उसको भी एक बार चेक कर लेते हैं, थोड़ा तो चार्ज हो ही गया होगा, देखो अभी नहीं हुआ भाई, दूर है बस उसकी अभी, उसमें भी जान प्राण नहीं है, जैसे जान प्राण आएंगे फिर उसको चेक कर लेंगे। इसमें भी इसका भी PV टेस्ट होता है, PV टेस्ट करना है, SSS वो करना पड़ता है, बट वो हम जब महीने का लास्ट है 30 तारीख को उस टाइम करते हैं यूजली, गए इसका तो PV टेस्ट कई बार मैं कर लेते, कई बार कैप्टन कर लेते हैं, और MFHF भी इसका भी वही है, बट यहाँ पे क्या है नॉर्मली इससे चेक करना पड़ता है कोस्ट गार्ड से कि कोस्ट गार्ड वगैरह, बट यहाँ पे क्या है कि यहाँ के प्रोग्राम उनका इसका टेस्ट भी करना पड़ेगा, फिर अपने को सिग्नल रेडियो बुक निकालनी पड़ेगी उसमें, और यहाँ पे अगर हम कर भी देते हैं यहाँ के कोस्ट गार्ड वाले रिप्लाई नहीं करते हैं, एक्नॉलेज नहीं करते हैं, तो इसलिए बस अगर कोई बगल में शिप निकल रहा है साथ में या जान पहचान का कोई है तो फिर उससे चैनल चेंज करके हम बातचीत कर लेते हैं, बट अभी है ही नहीं कोई जिससे बातचीत करें, तो बस ये है कि हाँ ये है चैनल वगैरह चेक कर लो, जैसे कि अपनी कंपनी का अलग से दे रखा है 5650 जो मलेशिया में लोग यूज़ करते हैं, चैनल 5650 में बातचीत कर लेते हैं, तो बस ये भी देखो रिसीव देखो, इसलिए ये भी मतलब पूरा हो गया है, ये भी हो गया है, ये भी हो गया है, चलो ये सब मेरा मतलब ऑलमोस्ट काम कंप्लीट है। और ये रह गए फायर फाइटिंग वाले भाई, इनको भी इनका भी चेक कर लेते हैं, इसमें भी ये भी सही है, चलो ये भी हो गए, इनका भी हो गया, ये सारा सारा टेस्ट हो गया भाई, जितने जितने भी थे अपने इक्विपमेंट वगैरह इन सब का टेस्ट कर लिया। AI इसका तो क्या ही करना, क्योंकि AI इसके लिए भी इसमें भी रहता है भाई, जैसे हमारा बहुत पुराने वाला है तो इस पर सबसे पहले अगर किसी को मैसेज करना है कुछ करना है, ये आ गया देखो क्रिएट मैसेज पे जाना, अगर किसी का रिसीव किया है जैसे रिसीव आया है तो ये ओपन करो, ये बस चेक करने के लिए, ये हो गया, फिर 5 फरवरी रहेगी और स्टेशन रिक्वेस्ट टू चेक रेडियो एंड जमीनी
सेम बात मीडिया एवरीथिंग, मतलब जिस जिसने भी पायरेसी रिस्किंग सिंगापुर स्ट्रेट ड्यूरेशन स्ट्रेट वीवीआर एंड नेविगेशन कोटेशन क्वेश्चन सॉरी ये सब रहता है। देखो सेम इसमें भी लिखा है कि अगर हमें किसी को क्रिएट करना है जैसे कुछ है, तो अगर किसी का क्रिएट करना है तो हमें फिर उसका MMSI नंबर चाहिए कि हाँ कोई शिप है जिसके पास सेम ये है तो उसके साथ MMSI नंबर वगैरह फिर उससे कांटेक्ट कर लेंगे कि हाँ क्या एक्नॉलेज कर लो, तो ये भी अपना टेस्ट कंप्लीट हो जाता है। बट अपने पास तो वो है नहीं अभी, मतलब आसपास कोई शिप है नहीं तो फिर कैसे ही करेंगे। तो बस इतना सा ही था भाई, मतलब इतना ये दिक्कत है, थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ बट करने में पूरा टाइम लगता है। ये सब करने के बाद फिर ये भरनी है जितने भी GMDSS के वो कर देते हैं, फिर GMDSS की लॉग बुक भरनी पड़ती है, जैसे कि हमें डेली टेस्ट करना पड़ता है, बैटरी चेक करना पड़ता है, नैप टेस्टिंग जो जो भी है, डेली हो गया, फिर वीकली हो गया, फिर मंथली हो गया। वीकली तो फिर भी थोड़ा ठीक है, पर मंथली में तो फिर जैसे मैं कह रहा था ना PV टेस्ट करते हैं हम लोग, तो फिर उसका ये निकाल देते हैं इस एक्सिस से प्रिंट करके हम यहाँ पर मैंशन कर लेते हैं, पूरा स्टेपल कर लेते हैं PV टेस्ट किया है वो सारा का सारा मंथली उसमें आता है। रेडियो टेस्ट, सार टेस्ट, GMDSS वर्कटॉप की टेस्ट सेट सी PV टेस्ट MI, देखो बैटरीज प्रिंटर ऑल एंटीना ओके, ये सब पूरा का पूरा तो हमने कर दिया है, तो उसके लिए सारा का सारा कंप्लीट हो गया है। और अब मेरा काम बचेगा सिर्फ डॉक्यूमेंट फाइल्स बनाने का, और वो सबसे गंदा काम मेरे को वो ही लगता है। सो ऐसे अपना GMDSS के जो जो भी थे वो सब के सब तो मैंने कर दिए सारे सारे। अब मेन है मेरा, क्योंकि ये है मेरा, मतलब अब पहले से पहले वीडियो देखी होगी कि हाँ भाई मेरा साइन अप होना, मतलब ये मेरा लास्ट मंथ है, इसके बाद 20-25 दिन के बाद मेरा साइन अप हो जाएगा। तो इसलिए मैं अभी सारा का सारा, मतलब जितना भी मेरा काम है सेफ्टी इक्विपमेंट वगैरह जितने भी हो गए सारे मेरे अंडर है, जैसे कि फायर एक्सटिंग्विशर हो गए, सार्ट हो गए, EVD हो गया, लाइफ बॉय वगैरह जितने भी है जो कोई डैमेज है वो सारे ऑर्डर करने हैं, चेक करना है जाके कि उसमें टेप्स वगैरह सही है, 16 टेप वगैरह है कि नहीं है, पूरा MOB जितना भी रहता है सारा का सारा चेक करना है आज, क्योंकि भाई फिर टाइम नहीं रहेगा ना, फिर जब घर जाने का फिर मन करता है कि भाई अब जल्दी जल्दी काम निपटा देता हूँ, तो अभी जैसे अभी चेक करना पड़ेगा सारा का सारा कितने लाइफ बॉय ख़राब हो रखे हैं, कितने मेरे को MR करने में, तो जाने से पहले ये अपना सारा MR बना दूँगा। MR मतलब मटेरियल रिक्वेस्ट जो भी है कंपनी से मांग लूँगा, ऑर्डर कर लूँगा, फिर वो जब देती है ठीक है, देती है मेरे रहते रहते देती है तो ठीक है, नहीं देती तो वो फिर कंपनी वाले जाने, मेरा मैं अपना काम भाई पूरा कंप्लीट कर दूँगा, बाकी फिर वो आज चेक वो करूँगा, फिर डॉक्यूमेंट वगैरह बना दूँगा। जैसे कि इसमें देखो ये मैंने मतलब आधे तो मैंने बना दिए हैं, मतलब जितने मेरे रहे ये सारे के सारे, ये इतने सारे ये हो गए, अभी ये हो गया, वर्किंग हो गया, क्रू ये सारे मतलब प्रिपेयर कर रखे हैं पूरे के पूरे, बस इसमें थोड़े बहुत पेंडिंग रह रहे हैं वो आज मैं कर दूंगा, बस उसके बाद फिर ख़त्म। चलो आपको दिखाई देते हैं कि लाइफ बॉय वगैरह चेक करने हैं, शायद आवाज़ कम आ रही होगी, कोई नहीं। जैसे ये है, ये 2.5 kg वाला है, तो ये तो बिल्कुल सही है, इसकी ज़रूरत नहीं है। और ये है MOB, ठीक है, MOB के साथ रहता है अटैच जो भी, हमेशा जब भी MOB के साथ लाइफ बॉय रहता है उसका वेट रहता है 4.3 kg, इसमें लिखा भी होगा, देखो ये लिखा है 4.3, ये वाला तो फिर भी थोड़ा सही लग रहा है, अभी सही है ये, इसमें इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसकी टेप वगैरह चेंज करनी है, वो मैं थोड़ी देर से कर लूँगा, मतलब मेरा टेप वगैरह पड़ी रहती है, टेप्स वगैरह पड़ी है तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। और एक दूसरा है उधर है, ये देख लो भाई बाहर का पूरा नज़ारा। अब ये है देखो, इसका टेप उड़ गया है, मतलब सी ख़राब था, और ये देखो यहाँ से डैमेज हो चुका है, ठीक है, ये इसकी एक्सपायरी वगैरह तो चेक कर रखी है, मतलब इसमें टेप लगा के भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इसमें टेप लगाऊंगा फिर निकल जाएगा नीचे का चेंज करना, ये तो इसको नया ऑर्डर कर लूँगा एक ही। और बाहर देख लो भाई, सो गाइस मतलब MOB वाले दो ही है मेरे पास, 4.3 kg वाले, तो बाकी तो 2.5 वाले ही है, तो 2.5 वाले तो ऑलमोस्ट मेरा सारा ही सही है, बस ये है एक
तो मैं एक स्पेयर में मंगा लूँगा, एक उसके लिए भी मंगा लूँगा, दो ये मंगा लूँगा, तो बाकी थोड़ा बहुत सामान जो जो भी रहेगा, बाकी इनकी सर्विस तो अभी होगी हमारे अपने क्या अपने शिप पे ही होती है, अपने बाहर से आते हैं क्योंकि लाइफ राफ्ट वगैरह चेंज होना है, वो नवंबर में होगा मेरे जाने से, मेरे जाने के बाद होगा, तो फिर वो फिर जो नेक्स्ट ऑफिसर आएगा वो देख लेगा। तो इसलिए अब जितना भी है देखो साहब बैठा हूँ, क्योंकि बंदा आने अभी आया था फिर वापस चला गया, तो बस करते हैं बाकी काम। अब भाई अब एक काम तो और भूल गया था, मतलब NTM करना, मेन NTM वही मतलब चार्ट करेक्शन अपनी जो जो भी है, मतलब मेरे है दो तीन चार्ट अभी लेटेस्ट आ रखे हैं जो अभी चल रहा है, तो NTM का तो सबका सेम ही रहता है कि जो जो जिसके बाद जो जो चार्ट्स रहते हैं कि कैसे चार्ट वर्किंग करनी है कैसे क्या। सो भाई अभी इसमें भी थोड़ी करेक्शन आ रखी है, और एक नीचे है दो चार्ट है जिसमें करेक्शन आ रखी है, बाकी अपना चार्ट करेक्शन लॉग पहले इसको भरता हूँ, फिर उसके बाद जब फ्री टाइम होगा थोड़ा सा उसके बाद इसको करूँगा। तो चार्ट करेक्शन कैसे करते हैं क्या है वो इसका पूरा वीडियो मैंने पहले ही बना रखा है पूरा प्रॉपर, कि कैसे कैसे पता करते हैं कि कहाँ से आया है कहाँ से क्या। अगर भाई आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, देख लेना जिस चीज़ को मतलब देखना होगा। तो बस पहले इसको फिल करते हैं, क्योंकि फ़ोन पे रहता है कंपनी मेल कर देती है और हम भी चेक कर लेते हैं NTM आया नहीं आया है, तो इसलिए पहले इसको भरूँगा, उसके बाद फिर जैसे टाइम लगेगा टाइम के बाद थोड़ी देर से उसको कर लूँगा बैठे बैठे, और क्या है। सो भाई आ गया अपना ये करने को, भाई इसको कर लेते हैं अब सीधा, जैसे कि अपना NTM आ रखा है ये अपने को, इसमें देखो चार्ट नंबर दे रखा है अपना कहाँ क्या 2403। सो आपको चार्ट नंबर यहाँ दिखा है पड़ा है 2403। सो और इसमें लिखा है देखो इस पोजीशन पे ये इंसर्ट करना है, रैक का इंसर्ट करना है और दो है इंसर्ट करने हैं देखो इन पोजीशंस पे। और अगर हम पता कैसे चलेगा कि हाँ कैसे प्रीवियस वाला देखो 3949 47 देखो हम यहाँ पे राइट डाउन करते हैं कि 3947 हमने पहले कर रखा है। सो प्रीवियस वाला भी दिया जाता है जैसे प्रीवियस चार्ट दे रखा है प्रीवियस अपडेट, और ये वाला भी करना है। सो बस इसको कंप्लीट करते हैं, और एक दो चार्ट और एक ये है 3831 इसमें भी इंसर्ट करना है डिलीट करना है, तो चलो इनको कर देता हूँ पहले। भाई अपना चार्ट वर्क भी कंप्लीट हो गया, चार्ट का काम भी कंप्लीट हो गया, अब बस रह गया डे वर्क, मतलब जो जाके देखूंगा बाकी लाइव वर्क वगैरह, बाकी पेपर वर्क रह गया, बस प्रिंटर को प्रिंट आउट करना है थोड़ा बहुत करना है, बस काम कंप्लीट। भाई ये देखो अभी तक मौसम साफ था, वो साइड में साफ है पूरा का पूरा, और वो साइड से बारिश आ रही है बहुत तेज़, बट मैं थोड़ा सा लेट हो गया भी, यहाँ पे ना मछलियाँ ऐसे छलांगे मार रही थी तो बारिश भी आ गई। भाई लगता नहीं है मेरे को कि डे वर्क करने देंगे आज, डे वर्क तो क्या बस थोड़ा बहुत ये चेक करने थे, तो चलो भाई अंदर ही चलते हैं सीधा। वो देख लो पोर्ट साइड से हवा है, तो कैसे कैसे उछल रहा है, मोप वगैरह कैसे पूरे दरवाज़ा खोल के दिखाता हूँ। अरे बाप रे गाइस, मेरे डॉक्यूमेंट तो मैंने कंप्लीट कर दिए हैं, बस प्रिंट रह गया, प्रिंट हो रहे हैं सारे सारे देख लो जितने भी, ऑलमोस्ट मेरे डॉक्यूमेंट कंप्लीट है, थोड़े बहुत रह गए वो भी आज 28 से 30 तक कंप्लीट करने हैं, बस जो जो हो गए हैं वो मैं प्रिंट मार रहा हूँ, जैसे कि ऑलमोस्ट तो मतलब कंप्लीट ही है, बस एक रह रहा है जो मेरे को सबसे गंदा लगता है करने में, वो है वर्किंग गेस्ट आवर। हर कंपनी शिप में रहता है, हमारी कंपनी का अलग अलग है, चलो कई में रहता है कि वर्क रेस्ट हमारे में नहीं, हमारे में फिर एक्स बनाओ ये करो रेस्ट, फिर उसमें लाइंस मारो वर्किंग टाइम में लाइंस मारो रेस्ट टाइम फ्री छोड़ दो, तो पहले नौकरों का निकालो उसके बाद फिर उन सब में लाइंस मारो वो करो, सबसे गंदा मेरे को वही लगता है, बस उसमें ही सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए मैं उसमें लास्ट में करता हूँ। चलो बस ये बाकी डॉक्यूमेंट जो जो भी है उन सबको निकालते हैं, और उसके बाद फिर अपना ऑलमोस्ट काम कम्प्लीट। ये बाहर का चेक करना था, बाहर जाके मतलब लाइफ वगैरह ऑलमोस्ट मैं चेक कर ही लिए हैं, देख के आ गया था, थोड़े बारिश भी हो रही है तो बस यही काम रहता है, तो मतलब जितना भी मंथ एंड रहता है वो मेरा मतलब सारा का सारा ये इसी में टाइम निकल जाता है पूरा का पूरा,
ये देख लो इसमें से आधे तो निकालने पड़ेंगे, ऊपर से फिर इंजन के भी निकालने पड़ते हैं, क्योंकि हमने जो थोड़े इंजीनियर है इंडोनेशियन है वो मतलब उनको सिस्टम के बारे में कंप्यूटर के बारे में थोड़ा लिखना पढ़ना नहीं पड़ता, सन्नाटा बस हाँ काम आता है या मतलब इंजन स्टार्ट कर बाकी वो सब कर लेते हैं, और डॉक्यूमेंट वगैरह में खुद ही करने पड़ते हैं उनके, तो मैं उनके इंजन वालों के भी बनाता हूँ इसलिए थोड़ा ज़्यादा टायर हो जाता है, बट ऐसा कैप्टन है तो फिर थोड़ा रिलैक्स मिल जाते हैं, बाकी ड्रिल्स वगैरह होगी ISPS वगैरह PMS वगैरह वो सब कैप्टन कर लेते हैं, तो इसलिए थोड़ा रिलैक्स मिल जाता है मेरे को भी। तो बस बाकी बस यही था अपना, जो जो काम मेरा रहता है मंथ एंड में जितना भी रहता है बस वो सब मैंने दिखा दिया, क्योंकि वीडियोस इस अब के बाद से मतलब कंटिन्यूसली वीडियो आएगी, क्योंकि अब रह गए 20-22 दिन रहेंगे घर जाने के, तो अभी पूरा दिखाएंगे पूरा प्रोसेस भाई यहाँ से घर तक पहुँचने में कितना क्या प्रोसेस रहता है, प्रोसेस का मतलब पूरा टाइम टू टाइम वीडियो डाल रहा करूँगा अब तो भाई, इसलिए देखो ये भी हिल गई सर उसकी बार सी रफ्तार तो सारी फाइज अरे परे हो गई है फंसती हो गई, तो इसलिए इसके बाद से मतलब कंटिन्यू हफ्ते में हर हफ्ते वीडियो आएगी, फिर एक बार तो घर चला गया अगर मूड किया तो करूँगा घर जाके ब्लॉगिंग वगैरह करेंगे, बट इस बस इतना है कि हाँ वीडियो तो कंटिन्यू आती रहेगी कि चलो भाई घर पर फ्री टाइम है तो बनाएंगे घूमेंगे फिरेंगे कोर्स करने हैं ये वो सब, घर जाके क्या क्या रहता है बहुत सारे काम है भी जाएंगे, चलो यही था भाई अपना पूरा मंथ एंड में कहता रहता है ना मंथ एंड यही काम रहता है, चलो फिर आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, अच्छी तो क्या बस हाँ जो जो था वो दिखा दिया, कुछ ना डालने से कुछ तो सही डाल दिया कि चलो भाई वीडियो डाल दी, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए भाई बाय बाय, जय श्री राम, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना लाइक शेयर, चलो मिलते हैं फिर बाद में आपसे, जय श्री राम। You don't see the things I see.